मेरा नाम है छाया। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह के 8 बजे से, और हम लोग भी अभी उठ के नाश्ता कर लिया है। रोटी बनाई थी मैंने और आलू मटर की सब्जी कल रात में बनाई थी, उसी को खाया। और अब हम लग जाते हैं अपने काम में। कल हमने बहुत सारा काम किया था, आज भी है। आज नीचे वाले कमरे का है। अभी ये इसके पापा जा रहे हैं धर्मगढ़ सामान वामान लेने के लिए। अभी हम राशन लेके आए हैं, थैला और कुछ लेके आते हैं। अब ये लेके आएंगे राशन। शिवा सो रहा यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। शिवा क्या खा रहा है बाबू? ये सोना का है हमारा। आज मैंने ये वाले कमरे का करना है। आज मैंने ये पूरे लाल मिट्टी से लीपना है, इसकी लिपाई करनी है पूरे कमरे की। और शिवा कार्टून है ये, और बहुत मस्ती कर रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ धर्मगढ़ मार्केट, आपको दिखाता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा नज़ारा, और किस तरह का हमारा यहाँ का पहाड़ का नज़ारा है। और बाकी आपको दिखाता हूँ आज का मौसम। मौसम यहाँ पे पूरा चल फिर मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या लेके आऊँगा तेरे लिए। जाने लग गया हूँ धर्मगढ़, और बने रहे मेरे साथ ब्लॉग पे। और मैं यहाँ का आपको दिखाता हूँ अच्छे अच्छे नज़ारे। तो ये रास्ता जाता है धर्मगढ़ को, और धर्मगढ़ की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तो हमारी चढ़ाई चढ़ने के बाद कल जब मैं घर आ रहा था तो यहाँ रास्ते में कहीं आग लगी नहीं थी, और तो मैं अभी आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। थकान लग चुकी है, थोड़ा रुक जाता हूँ यहाँ पे। तो मैं पहुँचने वाला हूँ धर्मगढ़, बस कुछ ही दूर और रह गया 10-15। दोस्तों यहाँ से हो जाता है धर्मगढ़ की मार्केट की शुरुआत, और ये रोड जाती है कराला माझखेत। और दोस्तों धर्मगढ़ का मार्केट यहीं से शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। दोस्तों मैं अभी पहुँच रहा हूँ मार्केट में, और मैं दे रहा है बिरू भाई। बिरू भाई अभी तुलाई कर रहे हैं। बिरू भाई मुर्गी भी पाल रखे हैं क्या? हाँ बिरू भाई मुर्गी भी पाल रखे हैं आपने क्या? ये है हमारे बिरू भाई है, और यहाँ पे आप कुछ भी सामान चाहिए होलसेल से रिलेटेड कुछ भी, हर आइटम अवेलेबल, काफी अच्छे हैं भाई। मैं आ चुका हूँ धर्मगढ़ से, सामान मैंने ले लिया है। और क्या बोलते हैं, तो जैसे कि दोस्तों मैं रास्ते रास्ते चल रहा था, और हमारे दादा मिल चुके हैं रास्ते में। ये भी अभी मार्केट जा रहे हैं धर्मगढ़ में। हाँ दादा धर्मगढ़ जा रहे हो आप? आगे आगे मैं जा रहा हूँ, अभी आऊँगा वापस। तो दादा जा रहे हैं धर्मगढ़ ये, और बाकी बने रहे आप मेरे साथ पे वीडियो। आ रहा था धर्मगढ़ जा रहा था ये, तो अभी भाई का और मेरा बात यही चल रहा है कि यहाँ पर इतना प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण की बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। मतलब इधर ज़्यादा मतलब मैं गुस्सा था, मतलब इसमें
तो दोस्त मैं कर रहा हूँ यहाँ की पूरी सफाई है। पहले ऊपर उल्टा छत इसको क्लीन करते हैं, फिर बाद में इसमें चूना लग। झाड़ू तो मैंने मार दिया है चारों तरफ, गर्मी हो गई है, पसीना पसीना। हर काम करते करते थकान लग गई है और इस वजह से किस चीज की सब्जी झनकार दिखाना एक बार झनकार को, जिसका सब्जी खट्टा खट्टा बढ़िया होता है भात के साथ पे। ये बन चुकी है हमारी पहाड़ी सब्जी, लग चुकी है। अभी इसको कम से कम आधा घंटा पकाना पड़ेगा ना। सिंपल बनाना जैसे बनता है, जैसे बनता है घर पे पहले से बनता है। टमाटर भी दोस्त अब हम खाते खाना ना। और ये शिवा है, ये शिवा कह रहा है कि यार क्या चाहिए तेरे को। तो आप लेते हैं पहाड़ी खाने का आनंद और पहाड़ी सब्जी और पहाड़ी साग और भात, मजाक देते हैं आनंद। ठंडी ठंडी हवा चली, एकदम बेहतरीन। कैसा हो रहा है अच्छा। कितना अच्छा हो रहा है, कितना शोरा, कितना अच्छा हो रहा है।
इतना सफाई करने के बाद अब हमने सारा पत्ती को इकट्ठा करके इसमें डाल दिया है आग। और अगर हम ऐसी आग डाल देते तो यहाँ पूरा फैल जाता और हवा चल रही बहुत तेज। इसमें हवा में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आग फैलती है, है? इसको भी नहीं डालेंगे, इसको कल हवा चल रही है ना तूफान तो इधर उधर फैल जाएगा आग। मैंने सारा सफाई करने के बाद इधर भी डाल दिया है आग। और अभी मौसम थोड़ा ख़राब जैसा हो रहा है, बारिश हो रही है तो ये बाद में आज आग नहीं लगी कर दिया है। ये पसीना पसीना हो गया मेरे को भी ये पूरा। अब और लगेंगे दो चार